पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ कई टिप्पणियां की। स्मृति ईरानी के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों पर राहुल गांधी ने कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, जीवन में हार जीत तो होती रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, यह अब तक का सबसे कपट से भरा मैसेज है। कांग्रेस नेताओं ने भेड़ियों की तरह एक ऐसी महिला नेता के पीछे हमला किया जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया और उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। इन सब बकवासों से इस तथ्यों को छुपाया नहीं जा सकता कि स्मृति ईरानी ने बालक बुद्धि को अमेठी छोड़ने के लिए मजबूर किया। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रीसेंट बंगला मिला हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से शिकस्त मिली थी। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था, जिसके बाद से वे लगातार कांग्रेस के निशाने पर है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घमंडी और न जाने क्या क्या कहा। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो चुनावों के दौरान स्मृति ईरानी को मानसिक रूप से विक्षिप्त तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इनका दिमागी इलाज करवाया जाए। वहीं हास्यास्पद बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी ऐसे ट्वीट करके खुद को नैतिक रूप से परिपक्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे स्पिरिट ऑफ कांग्रेस का ट्वीट देखिए, 4 सितंबर 2023 को राहुल गांधी के समर्थकों के इस अकाउंट पर स्मृति ईरानी के लिए पोस्ट किया गया, मुझे फ्लाइंग किस पसंद नहीं है, मुझे मिडिल फिंगर पसंद है। ये ट्वीट तब किया गया था जब संसद में स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस किए जाने का विरोध किया था। इसी तरह एक रोशनी कुशल है। रोशनी कुशल ने 27 जनवरी 2024 को ट्वीट किया था, जिसमें था बोलकर कि 13 रुपये किलो मिलेगी चीनी, किधर गायब हो गई स्मृति कमीनी। अब इन्हीं समर्थकों के पोस्ट शेयर करके सवाल हो रहा है कि अगर वाकई राहुल को नैतिकता का इतना ज्ञान है तो फिर उन्होंने ऐसे कमेंट करने वालों के विरुद्ध उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों अपने समर्थकों को रोकने के लिए ऐसे पोस्ट नहीं किए गए थे। आज जब लोकसभा चुनाव के नतीजों को समय बीत गया है, हर कांग्रेसी अपनी बात कह चुका है, तब ऐसी बातें करने का क्या फायदा। एक यूजर ने तो लिखा भी, 98 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।